देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का वैक्सीन। देखिए जिसको राजनीति करने की आदत है, जिसकी मानसिकता ही विकलांगता है, अगर स्वच्छ मानसिकता होती तो आज उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते, उनके साइंटिस्ट और डॉक्टर को धन्यवाद देते। उनको जब किसी पर विश्वास नहीं है तो अपने वोट बैंक बचाने के, लेकिन वोट बैंक उनका बचा ही नहीं है तो वोट कौन डालेगा? और ये ऐसे ही कहते रहेंगे, लेकिन हमारी जनता, देश की जनता अपने स्वस्थ रहने के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग। नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। अभी हम बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने आज एक सभा को आयोजित किया, सभा समारोह में शिरकत लिया। वहां पे उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर चुटकी साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। वैक्सीन को लेकर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का वैक्सीन है। जिसको राजनीति करने की आदत है, जिसकी मानसिकता ही विकलांगता है, अगर स्वच्छ मानसिकता होती तो आज उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते, उनके साइंटिस्ट और डॉक्टर को धन्यवाद देते कि एक साल के भीतर इतने परिश्रम करके उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन एक नहीं दो इसकी मान्यता मिल गई है, उनको बधाई देना चाहिए। लेकिन वो अपनी मानसिकता, विकलांग मानसिकता का और राजनीतिकरण करने का, राजनीति भी एक होता है अलग, लेकिन ये राजनीति जो है बहुत ही विकलांगति राजनीति है, जिसको समाज के भीतर कोई भी, उनको जब किसी पर विश्वास नहीं है तो अपने वोट बैंक बचाने के, लेकिन वोट बैंक उनका बचा ही नहीं है तो वोट कौन डालेगा? और ये ऐसे ही कहते रहेंगे, लेकिन हमारी जनता, देश की जनता अपने स्वस्थ रहने के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग। तो इस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को कहा कि वह मानसिक तौर से बीमार हैं और उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन के दवा को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया था, जिस पे आज बिहार की उप मुख्यमंत्री ने उन्हें पलटवार करते हुए जवाब दिया है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।